नमस्कार, मैं हूं धनश्री। केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिवनी जिले की तहसील कुरवई में दिनांक 2 मई को गौमांस खाने को लेकर पलचरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार जारी है। इस घटना में 2 आदिवासी व्यक्तियों की मौत हुई है। इसी कारण गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा चक्का जाम किया गया था, जिसमें नेमावर में हुए हत्या को लेकर भी सवाल उठाए गए। इस गंभीर मुद्दे को लेकर आज लखनादौन तहसील में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भारी संख्या में एकत्रित होकर नारेबाजी कर रहे थे। स्थिति को देखते हुए यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी प्रकार से माहौल को नियंत्रित किया जा सके। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर शक्ति सिंह सिसोदिया ने कहा है कि सरकार गरीबों को मरवा कर अनुकंपा नियुक्ति देकर सौदा कर रही है। सरकार की नीतियों का भी विरोध किया। भारी संख्या में पहुंचे क्षेत्रीय लोगों के विरोध का सामना करने अधिकारी एवं पुलिस के आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद समझाइश देकर माहौल को बिगड़ने से रोका और ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का भरोसा जताया। सिवनी से संवाददाता ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट। और वर्तमान जो सामाजिक और राजनीतिक स्थिति है, उस पर गोंडवाना का पक्ष रखने जा रहा हूँ। आदरणीय सभी सभाजनों को सेवा जोहार। दादा मरकाम, दादा कंगाली जी, परम शक्ति महादेव सेवा। शक्ति भैया, कल जो कुरई में घटना घटी है, इस संदर्भ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या सगा समाज, आदिवासी समाज क्या आगे कार्रवाई करने जा रहा है, या क्या इनकी प्रमुख मांग है? इसमें कार्रवाई क्या करने जा रहा है और मांग क्या है? और आप बोल रहे हैं कल जो घटना घटी है, हम तो नेमावर में घटी महीनों पहले की जो घटना पर अटके हुए हैं। इसी तरीके से 5 गोंडियन समुदाय की लोगों को दफना दिया गया था। विषय दूसरा था, स्थान दूसरा था, और वैसे ही खुलेआम नेमावर जैसे ही जघन्य अपराध को कुरई में दोहरा दिया गया। हम तो ये कहना चाहते हैं, हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो सामाजिक तोड़फोड़ की नीति चल रही है, जो उकसाहट की नीति चल रही है, उस पर समाज के अपने विचार के लोगों को ऐसा कैसा वो आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसी कैसी उनके अंदर भावना भड़का रहे हैं, जो ऐसे जघन्य अपराध करने में प्रशासन तक का डर बेखौफ हो गए, जिनके लिए संविधान काम ही नहीं कर रहा है। अब आप मुआवजा दे दोगे 8,00,000 रुपये और अनुकंपा नियुक्ति दे दोगे, तो सौदा कर रही है क्या सरकार मारने के पीछे? हर इलाके में एक एक इस तरीके का विद्रोही पैदा करके, मारकाट मचवा के, उसकी कीमत देके, नौकरी देके सौदा कर रही है क्या सरकार? गोंडवाना बहुत गहरे में उतर के इस विषय पे विचार कर रही है। गोंडवाना इस पे आंदोलन का रूप नहीं लेगी, गोंडवाना निर्णायक भूमिका निभाएगी। गोंडवाना इस पर बहुत विचार करके, नेमावर से हम मुक्त नहीं हुए और कुरई का मामला हमारी छाती में तुमने दफना दिया, ये कैसी नीति है मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान की सरकार की, इसका तीव्र विरोध करती है। सरकार और इनकी धर्म से ओतप्रोत गंदी नीति का विरोध करती है। पीड़ित जो हुए हैं, जो लोग कल हिंसा पे, जो 2 आदिवासी युवक मारे गए, उनके परिवार जनों के लिए आपके द्वारा या समाज के द्वारा कुछ अलग तरीके से मुआवजे की और मांग की जा रही है? इस पे मुआवजे का और 2 का विषय है ही नहीं है। वो 2 खत्म नहीं हुए हैं, वो एक समुदाय का नुकसान हुआ, अंग खत्म हुआ है, समुदाय का नुकसान हुआ है, व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, समुदाय पर आघात हुआ है, और उस पे क्या मुआवजा दोगे? 8,000। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।